भगवान हनुमान की प्रतिमा को अक्सर आपने सिंदूरी रंग में रंगे देखा होगा, लेकिन भगवान पर लोग सिंदूर क्यों अर्पित करते हैं? ऐसा माना जाता है कि अगर आप भगवान हनुमान की प्रतिमा पर सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अक्सर मंगलवार और शनिवार को लोग भगवान पर सिंदूर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान को सिंदूर लगाने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की पूजा से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा। तब उन्होंने देवी सीता से पूछा कि वे मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। सीता जी ने हनुमान जी को बताया कि वे अपने स्वामी पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन मांग में सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु में वृद्धि होती है और वह हमेशा स्वस्थ रहता है। सीता की बातें सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि थोड़ा सा सिंदूर लगाने का इतना लाभ मिलता है तो वे पूरे शरीर पर सिंदूर लगाएंगे, इससे मेरे आराध्य श्री राम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाना प्रारंभ कर दिया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। मंगलवार का दिन मंगल मूर्ति की उपासना के लिए सबसे मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय सिंदूर का प्रयोग है। ज्योतिषी कहते हैं कि बजरंग बली को अति प्रिय सिंदूर है, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और लेपन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके कर्ज, मर्ज और दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। हिंदू धर्म में भी सिंदूर को बहुत महत्व दिया जाता है। सिंदूर का प्रयोग दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए भी किया जाता है। कहते हैं सिंदूर मुख्यतः नारंगी रंग का होता है। महिलाएं इसे सौभाग्य और श्रृंगार के लिए प्रयोग करती हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं और लेपन भी, लेकिन मान्यता है कि महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि सिंदूर को सुख, सौभाग्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। वहीं सिंदूरी रंग वैज्ञानिक कारण से ऊर्जा का प्रतीक है। भक्त जब सिंदूर से तिलक लगाते हैं तो मस्तक पर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। ऐसा करने से मन में अच्छे विचार आते हैं और व्यक्ति को परमात्मा की ऊर्जा मिलने लगती है।